Sir, I rise to move that this House resolves that 23rd September, the birthday of late Maharaja Hari Singh ji, the last Maharaja of state, be declared as a state holiday as a mark of respect for him, sir. Sir, the reason that I have brought this resolution before you is because the contribution of late Maharaja Hari Singh ji cannot be ignored, sir. Sir, whether it was educational, social reforms that were made by him, or contributions towards society in other ways which benefited the entire state, and last of all, the instrument of accession that was signed by him, and that's why we are here today. This is the main reason that I thought that the resolution should be brought, sir, so that at least he is remembered in the days to come. उन्होंने रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, आज भी उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर काम करने की हमारी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर चलने की कोशिश करती है, और जो काम वो कर गए हैं वो काम आज तक नहीं हो पाए हैं. जिस ढंग से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उन्होंने जोड़ा, जिस ढंग से उन्होंने सब तबकों को साथ लेकर चले, उनके ऊपर छुट्टी होनी ही चाहिए. महाराजा हरी सिंह जी ने जब विलय किया था उस दिन को छुट्टी में तब्दील करना चाहिए. अब महाराजा हरि सिंह जी के बारे में मैं समझता हूँ कि कुछ कहना वो सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है. पूरी दुनिया में एक पहला महाराजा हुआ है जो कि सेकुलर था, इसलिए मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये महाराजा की फैमिली का इशू नहीं है. ये इशू जो है ये गरीब जनता का है, आम जनता का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इशू है. इसलिए उस दिन को छुट्टी में घोषित करके यहाँ के राष्ट्रवादी लोगों का सम्मान बढ़ाया जाए, इसमें मैंने यही निवेदन करना है. धन्यवाद. जो काम उन्होंने किए, जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए, आज भी वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी, एक सेकुलर आइडेंटिटी, एक यूथ आइडेंटिटी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, और आज भी लाखों लोग उनकी कदर करते हैं. वो बात अलग है कि हिस्ट्री ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, वो एक अलग चीज़ है जो हम टेकअप करेंगे अलग से, लेकिन इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए. ये बहुत आम लोगों की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, ना केवल जम्मू में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में सब लोगों के सेंटिमेंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, और मैं यही अपील करूंगा कि सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए. शुक्रिया. जो भारत का संविधान है उसका जो सोल स्पिरिट है सर, वो भारत एक वेलफेयर स्टेट है. इस वेलफेयर स्टेट के जो स्पिरिट को अगर मैं मानता हूँ कि अगर इसको कहीं से लिया गया है तो महाराजा हरि सिंह जी के एक जो उनका विवेक था, एक उनका जो प्रोवर्ब था, फ्रेज था, एज अ रूलर माई रिलीजन इज जस्टिस. रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के कॉन्टेक्स्ट में, एक पॉलिटिकल नरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में जो एक सराहनीय काम महाराजा हरि सिंह जी ने किया था, मुझे लगता है कि हमको अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए और अपने लीजेंड्स को नहीं भूलना चाहिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए. इसलिए जायज़ है कि जो यहाँ एक रेजोल्यूशन पारित रखा गया है इसको पारित किया जाए. महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर जो छुट्टी होनी चाहिए ये कोई आज की डिमांड नहीं है. ये रेजोल्यूशन आया है, इनको इनके नाम पे उस दिन छुट्टी होनी चाहिए. अगर हम बाकी लोगों के नाम पे छुट्टी रखी है तो इनके नाम पे भी छुट्टी रखने से हमें कोई फाइनेंशियल बर्डन तो पड़ने वाला नहीं है. तो लिहाजा एक जायज़ डिमांड है और लोगों की भावनाओं से जुड़ी है, तो मैं भी इसके हक में हूँ. जहाँ तक इस रेजोल्यूशन की बात है, जो महाराजा साहब की कंट्रीब्यूशन रियासत जम्मू कश्मीर के लिए रही है, एक तो हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है इस मसले का. महाराजा का दौर, फिर जंग आज़ादी, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी, लेकिन उसके बगैर वो तो हिस्ट्री की किताबों में बंद हो गया. मैं हमेशा से इस बात को मानता आया हूँ कि एक विजनरी लीडर, आज भी अगर हम जम्मू में देखें, हमारे SMGS हॉस्पिटल महाराजा साहब की दें, आप प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जिसे साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है,
हमने बहुत सारे कॉलेजेस बनाई है, बट उस कॉलेज को देखिए। इवन कि आज हम पिछले 50 सालों से जम्मू और कश्मीर में एक अल्टरनेट हाईवे क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ही हाईवे आज तक है, वो भी जो महाराजा साहब ने जो है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए बनाया। और इसके अलावा भी अल्टरनेट हाईवे भी जो पूंछ के रास्ते से जाती थी, जो सिंथन के रास्ते से जाती थी, ये भी उस टाइम की बनी हुई है। आज भी अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर में दफा 370 को कभी अपनी शहरक कहें, या ये कहें कि 370 जो है हमारे ईमान का, हमारे वजूद का हिस्सा है, तो ये 370 भी देन जो है वो महाराजा साहब की। छुट्टी करने से उनका कद ऊंचा नहीं होगा, उनका कद उनके कामों से ऊंचा हुआ है, लेकिन छुट्टी करने से कम साल में एक बार हम सब लोग जो है उनके कंट्रीब्यूशन को याद कर पाएंगे। महाराजा साहब ने ये बोला था, वाइज मेरी एक स्टेट है मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बाद भी, जहाँ पे कोई फसाद नहीं है, पंगे नहीं। महाराज हरि सिंह, अगर हम छुट्टी इस बात को इग्नोर करते हैं, तो हमारा जो भेदभाव का, वितकरे का, डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट जो बार बार बड़े साल हम लोग अपोजिशन में रहते हुए उठाते रहे, मुझे लगता है उस पर मोहर लगेगी। इस करके कृपा करके मेरे हाउस के अंदर रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से कि इसको छुट्टी का दिन डिक्लेयर करना चाहिए। मुझे इस बात की इंतहा खुशी है कि ऐसे महाराजा साहब का यहाँ छुट्टी की बात की जा रही है। वो हमारे पूजनीय जोग हैं। देखिए, जिनका पहला ओथ लेते कहा था, मैं ओथ ले रहे थे तो कह रहे थे कि मेरा धर्म, लोगों के धर्म हो गए ना, उनका मेरा जो धर्म है, पहला मेरा धर्म है इंसाफ। मेरा कहने का मकसद सर ये, इनकी बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है। मैं चाहता हूँ कि सरकार, अभी हमारे साथी मेरी तो ये, मैं भी सहयोग करता हूँ इस बात के लिए कि एज ए मेंबर ऑफ दिस गवर्नमेंट स्टेट, एज ए मिनिस्टर तो मैं इनके साथ हूँ, लेकिन जब बारी आई, लेकिन मेरी राय है कि जो इन्होंने राय दी है, इस पर गौर किया जाए और इसको पास किया जाए। ये मेरे लिए बहुत एजाज का मौका है कि मैं महाराजा हरि सिंह साहब, जितनी चीज़ें गिनवाई गई महाराजा साहब के लिए या डोगरा रूल के लिए, मेरा व्यू, मैं उसके साथ हूँ, अस्पताल बनाई, नहरें बनाई, दूसरी चीज़ें बनाई वगैरह, बट मुझे लगता है कि इस ख़ानदान ने दुनिया को एक ऐसी चीज़ दी जो मेरे ख़्याल में, जो आर्किटेक्चर अभी इस वक्त कहीं भी दुनिया में नहीं है। जम्मू अगर आज तरक्की कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि इन्होंने अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियां खुली रखी हैं, जो कश्मीर ने बंद की और जम्मू ने खोल दी। कश्मीर्स लॉस हैज़ टर्न्ड इनटू अ गेन फॉर जम्मू। जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर श्रीनगर का था, वो अब जम्मू का बन रहा है। इसकी हिफाजत करिए सर। ये मेरा घर भी है, मैं पिछले 30 साल से 40 साल से जम्मू आता हूँ, 6 महीने इधर गुजारे, 6 महीने कश्मीर में गुजारे। आई एम मोर एट होम इन जम्मू। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एंडोर्स करता हूँ इनका व्यू जो इनका है, कि महाराजा साहब के कंट्रीब्यूशन का। आज जो हम कश्मीरी ले रहा है, दुनिया अब कोई और नहीं है हमारे पास, ये मेरा स्टेट सब्जेक्ट, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा डिफेंस है इसका, कि एक ओशन में, एक समंदर में कैसे मैं जिंदा रहूं अपनी आइडेंटिटी लेके, ये इसका है, और वो भी उनकी देन। इसलिए मैं इस स्पिरिट से मुत्तफिक हूं, और मैं इसी स्पिरिट से ये बात करूंगा विद अदर स्टेक होल्डर, क्योंकि महाराजा साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा, ही हैज़ बीन अ कनेक्टर। उन्होंने जोड़ दिया है रीजन्स को, लैंग्वेज को, रिलीजन्स को, लोगों को, और एक ऐसा एक गुलदस्ता पीछे छोड़ दिया है जो मेरे ख्याल में ये हमेशा रहेगा, लाजवाल है ये। मगर आपको मालूम है सर, हिस्ट्री हैज़ डिफरेंट शेड्स। कोई अपनी शेड के हिसाब से पढ़ता है, कोई दूसरी शेड से पढ़ता है। तो इसलिए मुझे ये खौफ है,
میں ابھی یہ اعلان کرتا گورنمنٹ کی طرف سے، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ جو ایک یونیفائنگ پوائنٹ ہے ہمارا، کیونکہ کشمیر میں بھی ان کا آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں، یہ جو یونیفائنگ پوائنٹ ایک ہے، یہ کہیں خدا نخواستہ ایک ڈسکارڈ میں نہ بدل جائے، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت مصیبتوں سے گزرے ہیں، اور اسی بات کو مد نظر رکھ کر ہم سارے اسٹیک ہولڈرز سے بات کر کے مجھے لگتا ہے، میں ایشورنس دیتا ہوں دیٹ وی ول سرٹنلی کنسیڈر اٹ ود اوپن ہارٹ اینڈ اوپن مائنڈ اینڈ ود فل ریسپیکٹ ٹو مہاراجا ہز لیگیسی، اور میں گزارش کروں گا اپنے عزیز سے کہ وہ یہ ریزولیوشن اس وقت واپس لے لیں، ول سرٹنلی بی اوپن ٹو دس۔ Those member who are in the favor of resolution say yes. Yes. Talk, sir. Hai nahi no to hai nahi koi bolne wala nahi. Those member who oppose the resolution say no. Ek to hai. نہیں وہ خورشید صاحب نے ریزولیوشن از پاسڈ۔